जी हाँ दोस्तों, जब ऋषि कपूर जी ने किया था रणबीर कपूर के साथ ये मजाक, यूं तो देखा जाए तो 30 अप्रैल 2020 की ये वही तारीख है जिस दिन ऋषि कपूर जी ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज को जब ये खबर पता चली सबके चेहरे पे मायूसी छा गई। लेकिन इसी बीच जब ये इस दुनिया में नहीं हैं ऋषि कपूर जी, उनकी यादें उनके हसीन पल हम सब के बीच हैं। उनकी एक फ़ोटो थी जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई थी, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर की शादी किसी और व्यक्ति से करने की बात कही थी। देखा जाए बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में अगर देखा जाए तो रणबीर कपूर की रिलेशनशिप के चर्चे सबसे ज़्यादा आलिया भट्ट के साथ दिखाई देते हैं, सुनने को भी मिलते हैं, सुर्खियाँ भी बटोरते हुए दिखाई देते हैं। ऋषि कपूर जी के निधन के समय पर ही देख लीजिए, जब जब नीतू कपूर जी उदास हुई तो हमें आलिया भट्ट जी वहाँ नज़र आई, तो जब रणबीर कपूर जी काफ़ी उदास हुए तो हमें वहाँ पर आलिया भट्ट जी नज़र आई। कपूर फैमिली को बखूबी संभालती हुई दिखाई दी आलिया भट्ट, काफ़ी मजबूती से उनके साथ खड़े रहे इस दुख की घड़ी में। इसे कयास लगाई जा सकती है कि रणबीर कपूर के लिए इससे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब ऋषि कपूर जी इस दुनिया में थे और साथ ही साथ 2018 में उन्होंने रणबीर कपूर के साथ एक मजाक किया था, जिसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक फ़ोटो शेयर की थी, जिसमें उन्होंने रणबीर कपूर आयान मुखर्जी को एक तस्वीर में टैग किया था और साथ ही साथ उन दोनों को एक साथ शादी करने के लिए कहा था। जी हाँ दोस्तों, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि रणबीर कपूर के साथ आयान मुखर्जी एक मेल है, यानी कि एक मर्द है। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो बेस्ट फ्रेंड बताए जाते हैं। साथ साथ ऋषि कपूर जी ने इस पोस्ट में लिखा भी था, बेस्ट फ्रेंड्स कैसा रहे अगर तुम दोनों अब शादी कर लो। लेकिन दोस्तों इस बात को कुछ में दोहराई नहीं कि ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और ऋषि कपूर जी ने सिर्फ एक मजाक किया था, जहाँ उस वक्त भी लोगों ने इसको मजाक के रूप में लिया था। लेकिन ऋषि कपूर जी के द्वारा ये पोस्ट था तो इसी के चलते अब ये काफ़ी वायरल भी हो रहा है। रणबीर कपूर आयान बचपन के ही दोस्त हैं, कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। जैसा कि वेकअप सीट की बात की जाए तो रणबीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी, डायरेक्शन किया था या निर्देशन किया था आयान मुखर्जी ने। वहीं जो अपकमिंग फिल्म है रणबीर कपूर की वो है ब्रह्मास्त्र, उसको भी डायरेक्शन कर रहे हैं आयान मुखर्जी। देखना दिलचस्प होगा कि अपकमिंग फिल्म में किस प्रकार से अपना किरदार और किस प्रकार से जोर निभाते हैं नम आँखों के साथ रणबीर कपूर। नेक्स्ट 9 लाइव चैनल में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। ऐसी खबरों और पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, धन्यवाद।